सादलपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 मोबाइल गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिनके पास से करीब 1,00,000 रुपए मूल्य के 11 कीमती एंड्रॉइड मोबाइल भी जब्त किए। वहीं SDOP देवेंद्र ने सादलपुर थाना प्रभारी विश्वदीप सिंह परिहार ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कैसुर बाईपास पर पेट्रोल पंप के पास कुछ लोग विवाद कर रहे हैं, जिस पर तुरंत पुलिस टीम को वहां भेजा गया और कैसुर बाईपास के कोने पर 3 व्यक्ति मोबाइल अधिकार की बात पर विवाद करते दिखे। रोकने पर पुलिस को देखकर वे भागने लगे, जिन्हें संदेह के आधार पर घेरा मंदिर कर पकड़ा और सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम जितेन, पिता रामलाल राठौर जाति बलाय 19 साल, सुभाष पिता बालानाम बामनिया जाति बलाय उम्र 29 साल निवासी बेटमा, जाहिद पिता अनोखीलाल सोलंकी जाति पारदी उम्र 20 साल निवासी बेटमा के होकर उनके पास के मोबाइल के बिल संबंध में जानकारी मांगने पर वे टालम टोल करने लगे, जिस पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मोबाइल चोरी करने संबंधित कड़ी सामने आई और आरोपियों से विभिन्न जगहों से चुराए कुल 11 एंड्रॉइड मोबाइल जब्त किए गए, जिनकी बाजारी कीमत करीब 1,00,000 रुपए है। पुलिस ने विभिन्न चोरी की धाराओं में अपराध कायम कर आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। कल थाना सादलपुर पर एक सूचना मिली कि 3 व्यक्ति जो है केसूर पेट्रोल पंप के पास में झगड़ा कर रहे हैं, तो सूचना पर जो है थाना मोबाइल वहाँ पर पहुँची, जहाँ पे 3 लोगों से उनके द्वारा पूछताछ की गई, उनके द्वारा बताया गया कि मोबाइल को लेकर वो बात कर रहे थे। उसके बाद में उनसे उनके पास से मोबाइल जो अलग अलग 3 व्यक्ति थे, जिसमें कि जितेंद्र पिता रामलाल राठौड़ निवासी केसूर है, दूसरा सुभाष पिता बालाराम बामनिया है, ये बेटमा थाने का निवासी है, और तीसरा जाहिद पिता अनोखीलाल सोलंकी, ये भी जो है बेटमा थाने का निवासी है। इन तीनों के पास से जो है अलग अलग मोबाइल जो है जब्त किए, जो कि कुल संख्या 11 थी। इन मोबाइलों के संबंध में उनसे जब चर्चा पूछताछ की गई कि इनके बिल और बाकी कागजात के बारे में पूछा गया, तो उनके द्वारा जो है कोई कागजात प्रस्तुत नहीं करते हुए संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया गया। इस आधार पर उन्होंने सख्ती से पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा पूर्व में जो है ये मोबाइल कहीं से अलग अलग जगहों से चोरी किए गए हैं। उसके बाद में इन तीनों को जो है गिरफ्तारी की गई और संबंधित जो मोबाइल थे वो उनसे जब्त किया गया, और अभी वर्तमान में जो है जो मोबाइल हैं हमारे पास में आए हैं उनके साइबर सेल के माध्यम से उनकी जानकारी पता लगाई जा रही है कि किन किन मालिकों से है, कहां कहां से ये चोरी किए गए थे। उसके बाद में जो है जो भी आगे में कार्रवाई हुई वो की जाएगी। सर मोबाइल कितने जब्ती है और क्या कीमत है इनकी? मोबाइल अभी लगभग 11 मोबाइल जब्त हुए हैं, जो कि जो है 2 आरोपियों से जो है जितेंद्र और सुभाष से जो है 3-3 मोबाइल जब्त हुए हैं, बाकी जो जाहिद है उससे 5 मोबाइल जब्त हुए हैं, और इनकी कुल कीमत लगभग 1,00,000 रुपए है। यह आपसी विवाद से पता चला है? जी, ये जो है थाना मोबाइल जो है केसूर भ्रमण कर रही थी, उसी समय सूचना मिली कि पेट्रोल पंप जो है बाईपास केसूर में है, वहाँ पे 3 व्यक्ति के आपस में विवाद कर रहे हैं, क्योंकि आपस में मोबाइल के बंटवारों को लेकर विवाद कर रहे थे, तो उसमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली यहाँ पे कोई विवाद कर रहे हैं, तो उसमें जो है जब पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची तो इनको पूछताछ की गई, तब उनके द्वारा स्वीकारा गया कि मोबाइल को लेकर आपस में विवाद कर रहे हैं। इसमें और भी सदस्य आ सकते हैं कि गिरोह? जी, अभी उनसे हमने जो है उनको आज न्यायालय में पेश कर रहे हैं, उसके बाद में उनकी रिमांड ली जाएगी, उसके बाद में आगे भी कोई इनके सदस्य इसमें शामिल पाए जाएंगे तो उन पर भी जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर अभी किन धाराओं में कायमी की है इनसे? अभी इसमें जाफ्ता फौजदारी जो CRPC है उसमें इस्तगासा पेश किया गया 41 1-4 का और 102 का इस्तगासा में इनको पेश किया गया है।